ऋषि को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। ऋषि उस समय 8वीं क्लास में था, उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। ऋषि का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की नीलम के साथ था। नीलम अमीर घराने की लड़की थी, उम्र यही कोई 13 से 14 साल की ही होगी और देखने में पलक ही खूबसूरत थी। नीलम के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, अच्छे पैसे वाले लोग थे। ऋषि मन ही मन नीलम को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। ऋषि के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे, उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसलिए डर से ऋषि कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो, इस प्यार के बहाने ऋषि की एक गंदी आदत सुधर गई। ऋषि आए दिन स्कूल न जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन ऋषि की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही नीलम को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही। ऋषि दिल की बात न कह पाया। समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं भी पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था, ऋषि मन ही मन उदास था। शायद नीलम को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि ऋषि के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजे। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीलम भी अपने फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी, आज सब एंजॉय कर रहे हैं अंतिम दिन जो था। लेकिन ऋषि की आंखों में आंसू थे। ऋषि चुपचाप क्लास में गया और नीलम के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फोटो थी। ऋषि ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने ऋषि को बाहर पढ़ने भेज दिया। नीलम के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बनवा लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। ऋषि हमेशा के लिए नीलम से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। ऋषि ने अपनी पढ़ाई पूरी की, अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वह थी नीलम। कोशिशों के बाद भी ऋषि फिर कभी नीलम से मिल नहीं पाया था। घर वाले ने ऋषि की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी नीलम ही था। ऋषि जब भी अपनी पत्नी को नीलम के नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें भर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया, लेकिन आज भी नीलम से सच्चा प्यार करता था। एक दिन ऋषि कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसकी नीलम का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। छपे नीलम के प्यारे से चेहरे को देखकर ऋषि भावुक हो उठा। तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी फोटो देख ली। पत्नी, ये कौन है, जरा उसकी फोटो मुझे दिखाओ। ऋषि, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे तो मेरी ही फोटो है, ये मेरा बचपन का फोटो है, देखो ये लिखा सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यही तो पढ़ती थी मैं। ऋषि यह सुनकर खुशी से पागल हो गया। क्या तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। नीलम ने अब ऋषि को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ नीलम की कई बचपन की फोटो लगी थी। ऋषि की पत्नी वास्तव में वही नीलम थी जिसे वो बचपन से प्यार करता था। नीलम ने ऋषि के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वो आज से ही नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। ऋषि बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है, ठीक वही हुआ ऋषि और नीलम के साथ भी। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और भाई धीरेंद्र राघव चंदेल। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।